the medical staff protest at the KB Bhabha Municipal General Hospital in Mumbai's Bandra West, alleging that they have been provided with low quality personal protection equipment. This is, of course, breaking inputs that are coming in. There is a protest that has now broken out at the medical staff, which is protesting at the KB Bhabha Municipal General Hospital in Mumbai's Bandra West area. Now, the staff members are alleging that they have been provided with very low-quality personal protection equipments, or the PPEs, which are essential right now for all those medical staff and personnel who are at the front line battling coronavirus and treating patients of coronavirus. So, this is, of course, a protest that has now broken out at the KB Bhabha Municipal General Hospital in Mumbai's Bandra West. Let me go across to my colleague Disha, who's joining me live at this point. Disha, can you take us through the details of what is happening on ground? This is concerning because these are medical staff who have now alleged that they've been provided with very low quality of personal protection equipments. Well, that's right. Here we are right outside Bhabha Hospital in Bandra area of Mumbai. And as you can see, all the nurses have come out of the hospital. They are protesting because of the lack in adequate basic facilities that is not really given to them at this point in time to treat COVID patients. We'll directly try and speak to a few nurses out here. Aap bataiye, aap log protest kyun kar rahe hain? Kya kya demands hai aapke, kya kya issues aap face kar rahe hain? फर्स्ट थिंग सो हमें प्रॉपर पीपीए किट अवेलेबल होना चाहिए, जो कि प्रॉपर क्वांटिटी में है नहीं. कंपैरेटिवली पेशेंट, जितने भी पेशेंट आते हैं तो उतना किट अवेलेबल नहीं है. जो भी किट मिल रहे, पहले तो अच्छे क्वालिटी के थे, अभी तो क्वालिटी भी बहुत पुअर हो रही है. उसमें जो शील्ड रहना चाहिए वो शील्ड अवेलेबल नहीं है. सो व्हेन वी आर इंटुबेट द पेशेंट, दैट टाइम ऑल सिक्रीशंस केम्स टू ऑन योर फेस एंड ऑल ओवर द बॉडी. सो वी आर स्प्रेडिंग द ऑल कोरोना वायरस लाइक दैट. सो इसके लिए ये फर्स्ट है कि ये सब पीपीए किट, ग्लव्स, मास्क, कैप, ये सब प्रोटेक्टिव गियर इनफ चाहिए. नहीं मिल पा रही. और जो 450 लोग है, सब सब हमारे कामगार, नर्सिंग, डॉक्टर, सब मिलके वो पहले दिन से ही फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन बहुत कम है. कम है जितना नहीं हम लोग अभी समझो एक वार्ड में पेशेंट है तो सब नहीं डाल सकते. छः छः किट नहीं, एक दिन में 10 या 5 ऐसे ही मिलते, तो सबको डालने को नहीं मिलते. एक पर डॉक्टर डालते, सब स्टाफ को मालूम नहीं रहता है पेशेंट पॉजिटिव कि नहीं. तो हम लोग का मतलब है कि मिलना चाहिए किट, तो हम लोग हमारा प्रिकॉशन लेंगे तो हम पेशेंट को सेफ रखेंगे ना, तो सबको स्प्रेड हो जाएगा उसमें से. आप लोग ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से ये डिमांड किया है, क्या कह रहे हैं उन लोग? तो मिल रही नहीं किट, क्योंकि वो लोग ट्राई कर रहे हैं. नहीं नहीं ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अवेलेबल नहीं हो रहा है. गवर्नमेंट से अवेलेबल नहीं हो रहा है या मिल रहा है नहीं बाहर, तो फिर प्रिकॉशन कैसा हो सकता है? कितने पेशेंट्स रोज आते टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पे? आते रोज का ऊपरी हो जाता है, 50-60 हो जाता है. एडमिट भी है उतने सारे पेशेंट, रिपोर्ट आने के बाद उनको घर पे 200 के ऊपरी होती है हमारी. तो अभी आप लोग की मांग यही है, आगे अभी और क्या है? सुना चाहिए सबको, क्वारंटाइन करना चाहिए. मे बी पॉजिटिव आते समझो तो हॉस्पिटल भी सील होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है. और अगर हम कोविड वार्ड में काम करते हैं, हम सब हमारा परिवार छोड़ के अगर आ रहे हैं ड्यूटी पर, हमारा कर्तव्य जा जा रहे हैं, तो हमको प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं? हमारा प्रोटेक्शन घर पे बैठे चलो बोल रहे, नहीं हम लोग का काम है, हम कर रहे करेंगे हम लोग, लेकिन हमको थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए, इतना हमारा मतलब है. आफ्टर 14 डेज कोविड-19 के बाद कोविड वार्ड में हम काम करते हैं, आफ्टर 14 के हमारा स्वैब जाना चाहिए, वो उसका रिजल्ट आने की पॉजिटिव की नेगेटिव, तो हमको अगर ये आता है तो क्वारंटाइन 14 डेज रहना चाहिए घर पे. तुमको लगता है पेशेंट सस्पेक्टेड है तो तुम वही वार्ड में रखना चाहिए, अदर वार्ड में नहीं रखना चाहिए. मुझे ये बोलने का है, आईसीयू में रखा गया, आईसीयू में रखा गया तो आईसीयू में सब डॉक्टर्स आए, स्टाफ आए, सर्वेंट्स आए, एक से एक टेक्निशियन उधर जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो सब जन को अभी स्प्रेड उसमें उतना, पेशेंट भी एडमिट, उनको भी, उनका रिलेटिव विजिटर बंद नहीं है, जनरल ओपीडी बंद नहीं है, आ रहे सब जन, तो एक ही वार्ड करो, एक ही पॉजिटिव पेशेंट के लिए या आइसोलेशन के लिए, एक साथ में रखते फिलहाल. तो मुझे बोलने का मतलब कि हम लोग काम करने वाले को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको सब प्रोवाइड करो, और अलग अलग पेशेंट को रोज का रोज उसको सैनिटाइजर होना चाहिए, फवारनी करनी चाहिए, तो सब जन सेफ रह सकते हैं और हम दूसरे को भी सेफ रख सकते हैं. तो हम ही सेफ नहीं तो हम दूसरे को कैसे रखेंगे? मैं अभी ट्रीटमेंट कर रही है और मेरे सामने मेरा सर्वेंट है, तो उसको भी हो जाएगा ना, तो फिर फायदा क्या है? हम लोग जनता को बोल रहे हैं सबको कि जमावबंदी मत करो, ये मत करो, तो फिर हम लोग क्या करें? हमारे कितने जन को होगा अभी? हाँ 400 साहब के कितने जन को होगा?
that we have heard from the medical staff, healthcare professionals here at Bhabha Hospital. Clearly, they are saying that start from the day one, they have not received any basic facilities like protective gear whenever they are dealing or testing COVID-19 patients here in concern. Another point what the nurses have really said here is the fact that how even the suspected patients are being kept at the general ward, the ICU ward, and not at the isolation ward that it should be done. They are also saying that they are not being given proper equipments on a daily basis. In case, of course, other things as well that they face on a daily basis. There are over and above 450 medical staff and healthcare professionals that work here at Bhabha Hospital here in the Bandra area of Mumbai, and their only demand is to provide basic essentials, basic equipments, and this is the demand that most of the nurses across the hospitals here in Mumbai have been demanding for the longest period of time. We have seen the case of Wockhardt. After that, how the United Nurses Association have also written a letter to the BMC chief demanding all of these necessary precautions for the health staff members. All right, Disha, many thanks for joining us. And these are important voices that you have brought to us from on ground of the nurses and medical staff who are currently treating all those COVID-19 patients, very clearly indicating that there is not enough good quality materials that has been provided to them. And that has been the demand all along. Many thanks, Disha, for joining us with those updates.